नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो हिमाचल प्रदेश में गोवंश बैलों के साथ अमानवीय घटना सामने आई है, तो पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कहां पर यह घटना सामने आई है। तो हिमाचल बैलों को जंगल में बांधकर छोड़ा, 3 महीने बाद रस्सी से बंधे मिले कंगाल। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने 2 बैलों को गौशाला के पास जंगल में रस्सी से बांध दिया। 3 माह पहले आरोपी ने बैलों को रस्सी से बांधा था और इस वजह से बाद में भूख और प्यास के चलते बैलों की मौत हो गई। घटना का आरोप विशेष समुदाय के शख्स पर लगा है। मामला सामने आने के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार जिले के धर्मपुर उपमंडल की चनोता पंचायत का ये मामला सामने आया है। पंचायत के गांव गलू और भडियार के बीच की ये घटना है। आरोप है कि जंगल में गौशाला के बाहर अपने 2 बैलों को 3 माह पूर्व रस्सी से बांध कर भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया। दरअसल जब एक व्यक्ति लखदाता पीर के दर्शनों को जंगल से गुजर रहा था, तो उसे दुर्गंध का एहसास हुआ। वह इस दृश्य को देखकर हैरान हो गया। दोनों बैल कंगाल बन चुके थे, जबकि रस्सी अभी तक बंधी हुई थी। गांव लौटने पर लोगों को उसने सारी बात बताई। फोन पर पंचायत प्रधान सविता गुप्ता को जानकारी दी गई। बाद में लोगों में आक्रोश फैल गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई, इसलिए पुलिस दल मौके पर भेजा गया था। मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। लोग इस घटना की जमकर निंदा कर रहे हैं। बता दें कि चनोता के भडियार गांव की यह घटना है। वह मुस्लिम बहुल इलाका है और इस वजह से तनाव बढ़ा है। डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल सिंह ने बातचीत में कहा कि मामले में केस दर्ज किया गया है। गुरुवार रात को 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों और पंचायत प्रधान को भी बुलाया गया, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने ऐसा क्यों किया है। तो यही थी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बैलों के साथ जो है अमानवीय घटना सामने आई है। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।